हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सिक्योरिटी इंतजामात का पोल फिर खुल गया। एक माह में लाहौर की सेशन कोर्ट में फायरिंग का दूसरा वाकया, दो वकीलों को कत्ल कर दिया गया। एक बजे तक राजा जफर उल हक रिपोर्ट पेश ना की गई तो वजीर आजम को जाती हैसियत में तलब करेंगे। वुज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा। फैजाबाद धरना केस में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिमार्क्स, कहा खत्मे नबूवत के मामले पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी इलेक्शन कलदम करार दिया जाए। एमकेएम भाद्राबाद की इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त, 27 फरवरी के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आने दें, उसके बाद दरख्वास्त देखेंगे, जस्टिस उमर फारूक के रिमार्क्स। अफराद को जाली मुकाबलों में हलाक किया, राव अनवार के मुकाबलों की तहकीकात कराई जाए। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त, महकमे दाखला आईजी सिंध और दीगर ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। परिकेन से 30 मार्च तक जवाब तलब। हथकड़ियां लगानी हैं तो नवाज शरीफ तैयार हैं। रोज एक नया रेफरेंस दायर कर दिया जाता है मगर कुछ साबित नहीं होता। अगर कोई सजा देने पर बजिद है तो हम भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में खुसूसी गुफ्तगू, कहा मखसूस हालात में कानून के तहत हुकूमत अपनी मुद्दत एक साल तक बढ़ा सकती है मगर हम अपने इख्तदार को तूल देने का इरादा नहीं रखते। ये सब तैयार है। मियां साहब ने अपना मौकफ बड़ी वजाहत से बयान कर दिया है। आज तक एक करप्शन का इल्जाम मियां नवाज शरीफ पर कोई नहीं लगा सका। अगर उदालते फिर भी बजिद है तो हम ये जंग लड़ने को तैयार। लाहौर के इलाके कहना में लड़की का कातिल सगा भाई निकला, पुलिस ने मामला हल कर लिया। मुल्जिम सैफुल्ला की तलाश जारी, मुकदमा दर्ज। कुहाट की आसमा रानी के कत्ल के मरकजी मुल्जिम मुजाहिद आफरीदी के गिर्द घेरा तंग, नाम इंटरपोल की मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल। कत्ल के बाद मुलजिम सऊदी अरब फरार हो गया था। मॉडल आयान अली बीमार हो गई, करेंसी स्मगलिंग केस में कस्टम कोर्ट में हाजिर ना हो सकी। हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, जज साहब भी रुख्सत पर हैं, समाअत मुलतवी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पेरिस में इजलास, पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका और मगरबी ममालिक का गठजोड़। पाकिस्तान का नाम दहशत गर्दी के मुआविन ममालिक की वॉच लिस्ट में डालने की अमरीकी तजवीज पर गौर। लाहौर में वजीर आला हाउस के बाहर नाबीना अफराद का दूसरे रोज भी धरना, माल रोड पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गई। अगला लाया अमल जो है वो इनकी मेट्रो भी बंद करनी है, जाके रेलवे लाइन भी बंद करनी है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम वो बदकिस्मत पाकिस्तानी हैं कि जो इनको वोट तो देते हैं मगर अपना राइट नहीं ले सकते। तो लॉलीपॉप देना इन्होंने, हमने इनको साफ साफ जवाब दे दिया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे ना मीटिंग करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर नाबीना अफराद का आज भी एहतजाज, सूबाई और बल्दियाती हुकूमतों में नुमाइंदगी देने का मुतालबा।